10 मिनट में पूरी दीवार 20 फुट लंबी 7 फुट ऊंची पूरी दीवार ढह गई छत के साथ टेरिस के साथ में। और मैं गया था यहाँ के कार्यकर्ताओं के पास, अपने मोरेश्वर भाई हैं, राजन कीने सर हैं, तो कुछ रिस्पांस आया नहीं मुझे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और आपको बता दें कि मुंब्रा के सम्राट नगर इलाका जो है यहाँ से बाईपास से लगकर हनुमान मंदिर है और उसके बगल में ही एक मकान जो है वो मकान का कुछ हिस्सा जो है गिरने की खबर सामने आई है। आप देख सकते हैं ये कि किस तरह से ये मकान यहाँ पर गिरा है। सैयद महमूद कादरी का ये मकान है जो तेज बारिश के दौरान जो है अचानक से मकान का जो पीछे का हिस्सा था वो नीचे की तरफ जो है बह गया। यहाँ पर मनपा आपत्ति व्यवस्थापन और की टीम जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। दरअसल आपको बता दें कि इसके पीछे ही एक पेड़ है, उस पेड़ के वजह से भी जो है इस मकान को काफी क्षति पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये दरार पड़ गया है, ये पूरा एक तरफ से देखेंगे ऊपर तक पूरा इसी तरह से दरार जो है पड़ा हुआ है और पीछे की तरफ का जो रूम का हिस्सा है वो नीचे की तरफ लटक गया है। यहाँ पर जिसका मकान है सैयद महमूद कादरी वो हमारे साथ है। कितने बजे ये हादसा हुआ था? कल दोपहर में 2 बजे हुआ सर। पूरी जो दीवार है पूरी ढह गई वो झाड़ की वजह से। और मैं गया था यहाँ के कार्यकर्ताओं के पास, अपने मोरेश्वर भाई हैं, राजन कीने सर हैं, तो कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं मुझे वहाँ। क्या करने के लिए आपने? कि ताकि कुछ हेल्प मिले मुझे, ताकि मैं कुछ अपना कर सकूँ अपना मरम्मत घर की, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। बोले मिलूंगा बोले, लेकिन मिले नहीं मुझे। किसी का कुछ ऐसा जाने नुकसान? जाने नुकसान नहीं हुआ है, अपना घर गिरा अपनी जगह पे गिरा है, पड़ोस पड़ोस किसी को नुकसान नहीं हुआ है। ये कुदरत का बहुत बड़ा करम है मेरे ऊपर कि मेरा बच्चा 10 मिनट पहले मैंने उसको उठाया बेडरूम में से हॉल में लाया, 10 मिनट में पूरी दीवार 20 फुट लंबी 7 फुट ऊंची पूरी दीवार ढह गई छत के साथ टेरिस के साथ में, और बच्चा सही सलामत है। देखिए आप, ये बहुत बड़ा करम है मेरे रब का कि बच्चे को जो है जरी भी खरोश नहीं है। पीछे इधर बेडरूम था और किचन, ये साइड का किचन पूरा हिस्सा गया, पूरा हिस्सा चला गया, पूरा एकदम नीचे ढह गया झाड़ की वजह से। कितने साल से यहाँ पर आप लोग? यहाँ पर 8 साल से हूँ मैं, 8-9 साल से। तो आपने सुना कि 8-9 साल से ये यहाँ पर बिल्कुल बाईपास से लगकर ही जो है हनुमान मंदिर है और उसके बगल में ही इनका घर है सैयद महमूद कादरी का। लेकिन जो बताया जा रहा है इनके अनुसार, ये जो पेड़ आप बता रहे हैं बगल में है, किस चीज का पेड़ है? ये पीपल का झाड़ है। ये तो उससे कैसा ये उसकी जो जड़ें हैं फैल रही हुई है, देखिए जड़ सामने यहाँ से भी निकल रही है। मैं हर बार बनाते रहता हूँ इसको, इसके पीछे जो नीचे का शोर बोलते हैं वो यहाँ जड़ें निकलती जा रही हो, और वो जड़ की वजह से जो दीवार को पूरी हो। अच्छा, उसकी वजह से सब खोखले हो, पूरा खोखला हो गया नीचे से। तो आपने सुना कि बगल में ही पीपल का पेड़ है, उसका जो शोर है जो जड़े है वो देखेंगे कि सब यहाँ से भी निकल रही है, और इस वजह से इस मकान में जो है काफी दरार पड़ गया था। पीछे का हिस्सा देखेंगे कि ये किचन है और ये किचन का हिस्सा भी, और इधर ये बेडरूम था जो पूरा छत के साथ ये नीचे जो है गिरा है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये रही कि इसमें जो है किसी भी तरह की कोई जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। नीचे भी हालांकि मकान है, लेकिन किसी को भी इस हादसे में कोई भी घायल होने की खबर ऐसी सामने नहीं है।